अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग गए थे कॉर्न सूप पीने और इनके पास ही बहुत मशहूर है, ये है शहाब के नाम से इनका कॉर्न सूप है। इनके पास गोला गंडा भी होता है, इनके पास गोल गप्पे भी होते हैं, चाट भी होती है, फास्ट फूड भी होता है और जिंगर पे बहुत अच्छी इन्होंने प्राइस लगाई हुई हैं। अभी आपको डील मिल जाएगी, 200 का आपको जिंगर मिलेगा, इनकी पानी पूरी जो होती है गोल गप्पे और चाट और कॉर्न सूप और इसके अलावा गोला गंडा, ये चार चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं और मैं आपको बोलूँगी मस्ट आप भी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और ये काफ़ी पुराने हैं, ये देखें, ये इनका जिंगर का सेटअप था। मैंने कहा मैं हमेशा आप लोगों को अंदर तक जाके दिखाती हूँ किचन वगैरह इनका, तो ये काफ़ी पुराने हैं और मैं बहुत अरसे से इनको ट्राई कर रही हूँ और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कॉर्न सूप तो इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके अलावा इनके पास फ्लेवर में जो है गोला गंडा भी होता है और ये इनके थे गोल गप्पे, तो ये गोल गप्पे भी इनके फ्रेश बहुत अच्छे क्रिस्पी थे, मज़े के थे। इनकी चटनी भी अच्छी थी, पानी भी अच्छा था। इसके अलावा जो कॉर्न सूप था उसमें इन्होंने जो हमने चिकन कॉर्न सूप जो होता है एग वाला वो मंगवाया था वो भी बहुत अच्छा था। और इनके पास रश भी होता है और ये रात को लेट नाइट तक खुला रहता है, तो अगर किसी को रात में क्रेविंग हो, सर्दियों में जितनी भी सर्दी हो, ये 2-3-4 बजे तक बैठे हुए होते हैं। और ये है अकबर रोड पे शॉप इनकी, बंस रोड से पहले, बंस रोड फूड स्ट्रीट जो स्टार्ट होती है उससे पहले अकबर रोड है, उसके जो है रीगल से अगर आप आएंगे तो आपको राइट हैंड पे पड़ेगा, बिल्कुल कॉर्नर की इनकी शॉप है शहाब फास्ट फूड के नाम से। और छोटी सी शॉप है लेकिन इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं, बहुत पुराने ही हैं। पहले इनके पास सिर्फ कॉर्न सूप होता था गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में, और गर्मियों में गोला गंडा होता था, लेकिन अब इनके पास जो है काफ़ी वैरायटी आ गई है। पहले इन्होंने चाट स्टार्ट की, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर जो है वो फास्ट फूड भी स्टार्ट कर दिया है, तो क्लब सैंडविच भी होता है इनके पास, रोस्ट भी होता है, इसके अलावा जिंगर बर्गर भी होता है। जिंगर बर्गर मैंने भी जैसे कि पहले आपको बताया 200 का मिल रहा है। ये हमारी तैयार हो रही थी गोलगप्पे की प्लेट और ये हमने ट्राई किया था, बहुत मज़े का था। और कॉर्न सूप की तो इनकी क्या ही बात है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, ट्राई करें। रात में अगर आपको क्रेविंग होती है तो ये आपको मिल जाएगा, इनका सब कुछ फ्रेश होता है। जिंगर मैंने इनका अभी तक ट्राई नहीं किया जो कि ये 200 का दे रहे हैं, इंशाल्लाह जब मैं ट्राई करूँगी तो आप लोगों को उसकी भी रिव्यूज़ दूँगी कि कैसा है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ, तो ये भी मैंने आपको हॉनेस्ट रिव्यू दिया है। इतना बड़ा कोई नहीं है इनकी शॉप, लेकिन ये देख लें इनका बाहर बोर्ड ऐसे आपको नज़र आ जाएगा। और ये है शहाब फास्ट फूड्स के नाम से और फास्ट फूड इन्होंने अभी शुरू किया है। अच्छा, इनके पास जो है जिंगर रोल भी होता है, शवरमा भी होता है, इनकी प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है सामने, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं और रात के 3-4 बजे तक होती हैं। और ये मुझे आइडिया नहीं है कि किस टाइम इनकी शॉप ओपन होती है, लेकिन इस टाइम तक होता है, रौनक वाली जगह है, आप लोग आराम से जाएं, एंजॉय करें। ये आ गए थे हमारे कॉर्न सूप जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, वो उन्होंने जब जिंगर बनाया था तो मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखा दूँ, छोटा सा क्लिप कि इन्होंने जिंगर कैसे बनाया था। और मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन फिर भी इन्होंने सॉसेज अलग से दिए थे, यहाँ तक कि इनके जो सूप होता है उसमें सॉल्ट भी नहीं होता, आपको सब खुद ही ऐड करना होता है। ये यहाँ पे इनका बन रहा था जिंगर, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। फ्राइज देते हैं ये लोग साथ, सिर्फ कॉर्नस्लो नहीं देते, 200 में जिंगर दे रहे हैं, लेकिन जो इसका फिले है चिकन का वो मुझे काफ़ी उसका साइज अच्छा लगा, 200 के हिसाब से ठीक था। बाकी इनके सॉस या और जो चीज़ें हैं वो मैंने ट्राई नहीं की थी, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकती कि कैसा है कैसा नहीं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग जाके यहाँ पे जिंगर भी ट्राई कर सकते हैं जो कि 200 रुपीज़ का है। अगर आपने नहीं ट्राई करना तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं आपको ट्राई करके बता दूँगी अगर आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं तो। बाकी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।